मैं आपके साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा मध्य प्रदेश बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति एवं कार्यकारिणी गठन की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की गठन पर चर्चा एवं वस्तुस्थिति प्रदीप गुर्जर एवं श्रीमती आरती पटेल प्रदेश अध्यक्ष महासभा को ब्लॉक स्तर गठन किया जाए, जिले वाइज महासभा के प्रोग्राम किए जाएं, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष राजवीर पटेल ग्वालियर चंबल संभाग एवं श्री राजकुमार गुर्जर कार्यकारिणी अध्यक्ष इंदौर उज्जैन संभाग में प्रोग्राम तैयार करवाएं एवं प्रोग्राम बनाकर प्रदेश को प्रस्तुत करें। एक माह में कम से कम दो या तीन जिलों में प्रोग्राम किए जाएं। प्रोग्राम में महासभा एवं युवा मोर्चा, महिला मोर्चा को साथ में रखा जाए। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की एक रिपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं आरती पटेल, मध्य प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष गुर्जर समाज की। हमारे भाई साहब राजेंद्र जी भाई साहब ने जो प्रोग्राम यहाँ पर किया है, उसके लिए मैं अपने पूरी महिला टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और हम लोग पहली बार मध्य प्रदेश में पूरे 30 जिलों में हम लोग जिला अध्यक्ष बना रहे हैं और हमारे साथ पूरी टीम आई है, और यही दिखाने के लिए कि गुर्जर समाज अब आगे बढ़ने जा रहा है। पूरा महिला मोर्चा हमारे साथ है, पुरुष के साथ, पुरुष वर्ग के पूरे साथ में, और हम अपनी समाज को कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक है, जिसमें हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीदी हमारी आरती पटेल जी, हमारे गुर्जर समाज समिति के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाटी साहब और सभी हमारे सम्माननीय पदाधिकारीगण आज आए हुए हैं, और प्रत्येक जिले से हमारे जिलाध्यक्ष भी आए हैं, जो महिला जिलाध्यक्ष आई हैं। आज हमारे इस कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग एक प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए की दिशा में काम करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी, और प्रदेश स्तर पर गुर्जर समाज के लिए शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से किस तरह हम लोग मजबूत करें इस सभा को, उस पर आज हमारी विचार होंगे। और सभी लोग आए हमारे इस कार्यक्रम में, उनका सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग भी आए, आपका भी स्वागत करता हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।